तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप किस तरीके से कस्टम रूम बना सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, आप गेम खेलते हैं, फ्री फायर में गेम खेलते हैं, तो क्लासिक खेलते हैं या फिर रैंकेड खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं अपने दोस्त को सिर्फ और सिर्फ चार दोस्त को बुला सकते हैं, लेकिन चार दोस्त के बीच आप गेम को मैच को नहीं खेल सकते। आप उससे कैसे खेल सकते हैं, आप कस्टम रूम बना के। तो किस तरीके से आप कस्टम रूम बनाएंगे और अपने चार दोस्त को लेके और भी चार दोस्त के साथ क्या कर सकते हैं, मैच को खेल सकते हैं। तो कैसे कस्टम रूम बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जब भी इस गेम को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाता है, ये रहा मेरा आईडी। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर क्लासिक स्क्वाड रैंकेड जो यहाँ पर जो लोगो दिख रहे हैं तो इसके ऊपर आप टैप करेंगे। टैप करते हैं नीचे में आप यहाँ पर कोने में देख सकते हैं कस्टम का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं एक कार्ड है जो कि कस्टम खेलने के लिए। जितना सारा कार्ड था मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पर वन कार्ड जो है कि अवेलेबल है। यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पासवर्ड दे देना होगा। पासवर्ड इसीलिए देना होगा क्योंकि आपका बिना अनुमति के अलावा आपका कोई रूम के अंदर ना आ पाए, इसीलिए आपको यहाँ पर एक पासवर्ड देना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। अब आपको यहाँ पर गेम मोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी खेलना चाहते हैं, क्लासिक स्क्वाड है, बॉम स्क्वाड है, आप जो भी खेलना चाहते हैं यहाँ से खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लासिक स्क्वाड कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर 8 प्लेयर्स है जो कि चार चार करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर गेम वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। राउंड कितना रखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 7 राउंड है, 11 राउंड है, 13 राउंड है, जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 11 राउंड कर देते हैं। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कॉइन का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर 500 है, 1500 है, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। 515 जैसे कि यहाँ पर 1500 कर देते हैं। यहाँ पर आपको लिमिटेड एमओ का एक ऑप्शन मिल जाता है, येस करके रखें। लिमिटेड मतलब जो है कि आपका एमओ जो है कि लिमिट रहेगा, आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका लिमिटेड एमओ जो है कि अनलिमिटेड हो जाएगा, जो कि अनलिमिटेड एमओ आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो सीधा इसी तरीके से रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से कन्फर्म कर देना है। यहाँ पर दो घर दिया गया है, दो ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक साइड में एक है, यहाँ पर दो है, दोनों रूम दिया गया है। आप एक नंबर रूम पे क्लिक करेंगे आप खुद ऐड हो जाएंगे। दो नंबर ऐड करने के लिए यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी बंदे को ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ये भेजना होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इन्विटेशन कोड को सेंड करेंगे, उसको अगर पासवर्ड पता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैं किसी को अपना पासवर्ड अभी तक नहीं बताया, इसीलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। आप अगर अपना पासवर्ड बता देते हैं तो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। पासवर्ड आ जाने के बाद आपको करना क्या होगा, जब भी ऐड हो जाता है यहाँ पर चार बंदे करके ऐड कर सकते हैं। ऐड हो जाने के बाद आप यहाँ पर इस कोने में ऐड स्टार्ट वाला जो बटन दिया गया है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो कि मैच स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी स्टार्ट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी तरीके से अपना कस्टम रूम को बना के आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कस्टम खेल सकते हैं। तो आप सब समझ चुके होंगे कि आप किस तरीके से कस्टम रूम बना सकते हैं और अपने दोस्त के बीच मैच को खेल सकते हैं। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आए या फिर अच्छे लगेंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कुछ इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी को भी बजा देना। फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।